हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की इंग्लिश की वर्कशीट 128 करेंगे 8 दिसंबर की, क्लास सेकेंड, द माउस एंड द पेंसिल। तो गुड मॉर्निंग, आप सभी ने रीड की और एंजॉय की द स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल। तो हेयर एक पेंसिल है दैट इंट्रोड्यूस इट्स फ्रेंड टू अस। तो हमें ये जो है ये अपने उसके फ्रेंड्स के बारे में बता रही है। हेलो आई एम पेंसिल, मैं एक पेंसिल हूँ। शी इज़ रीता, ये रीता है। शी इज़ गुड इन स्टडीज, ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है। ही इज़ साहिल, ये जो लड़का है जो साहिल है। ही इज़ रीता ब्रदर, ये रीता का भाई है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त हैं। तो जो पेंसिल है इसने इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड्स को, अ बॉय एंड अ गर्ल, जिसमें उसने यूज़ किया इज एंड आर को सेंटेंसेस में। तो इज और आर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। तो इज ही के संग, शी के संग, इट के संग, किसी पर्सन के नेम, एनिमल के नेम या थिंग के संग यूज होता है। वही आर, आर यू के संग, वी के संग, दे के संग, नेम ऑफ वन मोर देन वन पर्सन या एनिमल के संग यूज होता है। तो आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप बहुत ही आश्चर्य में दैट आर जो है ये यू के साथ यूज हुआ। तो ये इसीलिए है क्योंकि जो यू है एक वर्ड है जो कि एक या एक से ज्यादा पर्सन के साथ यूज होता है। तो नाउ आज हम कंप्लीट करते हैं एज और आर। तो ही डैश नॉट एंग्री, तो ही के साथ क्या लगता है एज, तो ही इज नॉट एंग्री। मंकीज, अब यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं, तो मंकीज आर ऑन द ट्रीज। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज अ पेंसिल, अ बॉय इज इन द पार्क, फिर वी आर किड्स, शी इज इन दिल्ली, दे आर हैप्पी। इस तरह से सेंटेंस होते हैं। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय एवरीवन।